अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अभी थोड़ी देर पहले स्कूल से आई थी तो अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाना बनाऊं, और भूख सख्त लगी हुई थी तो सोचा क्यों ना पराठे के साथ अचार ही खा लिया जाए। हालांकि मेरा गला इतना ख़राब हुआ है, आवाज़ आपको मेरी बैठी हुई लग रही होगी, लेकिन मैंने कहा अब चलें, अब कोई और ऑप्शन नहीं है तो पराठे के साथ अचार ही खा लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा शाम को मैं फिर कोई सब्ज़ी बना लूँगी। हाँ जी नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले बस बच्चों को होमवर्क कराने लेके बैठी हूँ, तो बहुत ही मुश्किल से ये दोनों होमवर्क करने बैठते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब होमवर्क करने बैठते हैं तो कर लेते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि बॉयज़ को होमवर्क करने बिठाना उनके खेल कूद वाली रूटीन में से, उनको कहना कि जी होमवर्क करने बैठ जाओ, तो एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। आप सबको पता ही होगा क्योंकि अगर आप लोगों के बच्चे भी इस तरह होमवर्क में आप लोगों को तंग करते होंगे। तो ये समी की तो अभी स्टार्ट हुई है स्कूलिंग, तो समी तो जो बहुत ही तंग करते हैं, बहुत ही टफ टाइम देते हैं होमवर्क करने। और पे से शुरू करें समी। समी की अभी तक ना पेंसिल ग्रिप नहीं आ रही, और बहुत ही इसकी टीचर को और मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि ये सही तरह अभी ग्रिप नहीं कर पा रहे। गुड, आगे करें आगे। अभी इनकी सिर्फ ट्रेसिंग हो रही है सिंपल लाइंस की। तो ये देखें अभी कुछ आज ये समी गंदा कर दिया बेटे। अच्छा। सही करें समी। समी प्यारा प्यारा लिखें बेटे जल्दी से, डॉट्स पे रहना चाहिए, ठीक है, डॉट से बाहर नहीं आना चाहिए। अब्दुल्ला माशाल्लाह टू का टेबल लिख रहे हैं। अब्दुल्ला होमवर्क करते हुए तंग नहीं करते, और ये समी हैं जो अभी शुरू में थोड़ा तंग करते हैं। बाहर नहीं निकलना चाहिए, डॉट पे रहना चाहिए। अच्छा। हाँ जी नाज़रीन, मुझे ज़रूर आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग बच्चों को जब होमवर्क कराते हैं तो किस तरह कराते हैं, किन चीज़ बातों का ख्याल रखते हैं, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो होमवर्क के हवाले से मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि होमवर्क के लिए एक तो बच्चों का प्रॉपर एक टाइम फिक्स होना चाहिए, कि डेली उनको पता हो कि जिन्होंने इस टाइम पर बैठ के उन्होंने सिर्फ होमवर्क करना है, और कोई उस वक्त एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो उनको फिक्स एक टाइम होना चाहिए, उनकी प्रॉपर कोई एक जगह होनी चाहिए, प्रॉपर उनको एक मतलब होमवर्क का इन्वायरमेंट देनी चाहिए। ये नहीं है कि जी टीवी चल रहा है तो आप बच्चों को होमवर्क करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब प्रॉपर उनको एक टाइम उनका फिक्स कर दें, उनकी एक प्रॉपर प्लेस हो, कि जिनको पता है कि उनकी अगर टेबल चेयर पर करते हैं, या कुछ बच्चे करते हैं होमवर्क टेबल चेयर पर, तो आपको एक उनका एक प्रॉपर जगह भी आपने उनकी फ़िक्स की हुई हो। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करती चलूँगी कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो ट्यूशन जाते हैं, तो जिनके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, मैं उनके लिए एक सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि बेशक आप अपने बच्चों को ट्यूशन भेजें, लेकिन उन पे चेक एंड बैलेंस अपना भी रखें। जब भी वो ट्यूशन से आएँ, एटलीस्ट 1 आवर आप उनको ख़ुद भी बिठा कर होमवर्क करवाएँ या उनको देखें, क्योंकि जो मदर्स बच्चों को पढ़ा सकती हैं या मदर्स बच्चों को देख सकती हैं, वो कोई भी ट्यूशन वाली नहीं देख सकती। तो मेरा आप सबको एक यही मैसेज है कि आप लोग अपने बच्चों को बेशक ट्यूशन भी भेजें, लेकिन एटलीस्ट उनके होमवर्क पे ध्यान दें, और उनको ख़ुद भी डेली 1 घंटा ज़रूर टाइम दें, क्योंकि
जो मदर करवा सकती हैं वो ट्यूशन वाली बाजी नहीं करवा सकती। हाँ जी नाज़रीन, रात के 11:30 बज रहे हैं और बच्चों ने अपने पापा से फरमाइश की कि हम लोगों ने आइसक्रीम खानी है, तो पापा उनको आइसक्रीम खाने लेके जा रहे हैं। आइसक्रीम लेने और ये बच्चे और बच्चों के पापा आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं। देखें कौन सी आइसक्रीम लेके आते हैं, अभी लगे हुए हैं पसंद करने में, क्योंकि अब्दुल्ला को कप नहीं खाना था और समी को कम कप खाना था, तो अब देखें ये कौन सी आइसक्रीम लेके आते हैं। कौन सी ली हमने? ये देखिए समीर और उसके पापा आइसक्रीम लेके आ गए हैं। हाँ जी, सलमान मेरे और अपने लिए कुल्फी लेके आए हैं और अब्दुल्ला चौकबार लेके आए हैं और समी कप लेके आए हैं, और रात को अब ये 11:30 बजे हम लोग आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं। बस इसके बाद यहाँ से आइसक्रीम खा के हम लोग बस वापसी की तरफ रवाना हुए, ताकि जल्दी से घर जाके सोएं, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है, काफ़ी लेट हो गया है। जैसे कि आप टाइम देख सकते हैं कि 11:38 हो रहे हैं, तो अब हम बस घर की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग मेरा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ लाइफस्टाइल विद मेहरीन के साथ मेहरीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।